आओ बच्चों, आज कुछ नया करते हैं। ये लौकी है, कद्दू बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, घिया बोलते हैं। इसका कोफ्ता बनाएंगे। इसको हम छील लिए हैं, अब इसको हम ऐसे ऐसे करके घिसेंगे, इसका लच्छा बनाएंगे। अब इसको निचोड़ते हैं। अब इसमें बेसन मिलाते हैं। अब इसमें जो मसाला आपको मिलाना है मिलाइए, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, सब मिला के रखा हुआ है वो। अब इसको मार लीजिए, यानी मिला दीजिए। पानी नहीं मिलाना है, कद्दू में इतना पानी होता है कि वो खुद ही बेसन को अब्जर्व कर लेता है। हमको लगता है कि थोड़ा टाइट है, तो इसमें थोड़ा सा कद्दू और लेंगे। हम थोड़ा कद्दू बचा के रखे हैं, उसको मिला दिए हैं, मिलाएंगे इसको अब इसके छोटी छोटी पेड़ी बना के रख लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालते हैं, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि फिर जला हुआ तेल यूज नहीं करना चाहिए। अब इसमें कोफ्ता डालेंगे। घी गरम हो गया है, देखिए सब कोफ्ते तल रहे हैं, अब इनको निकालेंगे। थोड़ा सा कद्दू घिसा हुआ डालेंगे। एक खरबूजे का बीज है, इसको भी डाल देंगे। मसाला डालेंगे, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, नमक है। अब चलाएंगे। टमाटर डालेंगे, थोड़ा टमाटर साबुत रखेंगे ऊपर से डालने के लिए। अब चलाएंगे। ये कोफ्ता मसाला है, ये डाल दिया। गरम मसाला है, थोड़ा सा ये डाला, इसको चला देंगे। अब इसमें इस नाप से 4 कटोरी पानी डालेंगे, तो 4 कटोरी आपको सब्जी मिलेगी। अब जो टमाटर जो बचाए थे इसको डाल देंगे। ये कोफ्ते हैं, इसको डाल देंगे। अब 20 मिनट इस पानी को पकने देंगे, ताव मंदा कर देंगे। 20 मिनट बाद आपको ये तैयार मिलेंगे। अब इसको आप चावल से खाइए, चाहे रोटी से खाइए। जब ये बन जाएगा तो इसमें दही मिला देंगे। देखो बच्चा लोग, अब इसमें ये दही मिलाएंगे। थोड़ा दही इसमें मिला देंगे। अब ये आपका कोफ्ते की सब्जी तैयार। ये मिला दिया। अब आप ऐसी सब्जी बनाइए और घर में सबको खिलाइए, बताइए कैसी बनी और कहिए, शायद मेरी खाने का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए चाची ने मेरी मुझे खाने पे बुलाया है।